मोकामा में गंगा नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। मां और उसके बच्चे के डूबने से मौत हो गई है। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 निवासी गणेश यादव के परिवार के चार लोग गंगा नदी में डूब गए। तीन बच्चों को डूबता देख सुनीता देवी ने अपने रिश्तेदार के दो बच्चों को तो बचा लिया, मगर खुद अपने बेटे के साथ गंगा नदी में डूब गई। इस हादसे के बाद चिंतामणि चक गंगा घाट पर भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि सुनीता देवी अपने पुत्र अमन कुमार और दो अन्य बच्चों सूरज और गोलू के साथ गंगा स्नान कर रही थी। इसी दौरान तीन बच्चे डूबने लगे। सुनीता देवी ने तो पड़ोस के दो बच्चों को डूबने से बचा लिया, लेकिन अपने बेटे अमन के साथ वो खुद भी डूब गई। स्थानीय मछुआरों की मदद से अब शव की तलाश की जा रही है। बख्तियारपुर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपहरण कांड के चार फरार मुजरिमों के घर की नाकाबंदी कर उसकी संपत्ति कुर्क कर ली है। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सैकड़ों लोगों के सामने कार्रवाई की गई। जेसीबी मशीन का भी कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल किया गया। अपहरण के मामले में चार नामजद फरार आरोपी फौजी सोनेलाल यादव, धामंती देवी, अभिषेक राय और रंजन राय की संपत्ति को न्यायालय ने कुर्क करने का आदेश दिया था। इस दौरान थाना अध्यक्ष छवि रंजन के द्वारा कार्रवाई सम्पन्न की गई। जी, यहाँ पर एक बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 471/23 दिनांक 30/10/23 को अंकित किया गया था, जिसमें एक रंजय कुमार है जिनकी अपहरण की घटना है, जिनकी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई है। इस कांड के जो प्राथमिकी नामजद अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध हम लोगों ने माननीय न्यायालय से सभी कार्रवाई पूर्ण कर आज कुर्की का आदेश लिया है और अभियुक्त को हम लोगों ने आज भी 2 घंटे का समय दिया कि वो पुलिस के समक्ष सरेंडर कर जाए। इनके द्वारा नहीं किया गया तो माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कुर्की का कर रहे हैं और ये कुर्की के बाद हमारे अधिकतर कार्रवाई जो है उनके विरुद्ध गिरफ्तारी छापेमारी जारी रहेगी और यथाशीघ्र हम लोग उनको गिरफ्तार भी करेंगे। कितने की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है? एक विधि विरुद्ध बालक है जिसको हम लोगों ने JJB में भेजा हुआ है जो विधि कहती है उसके अनुसार। बाकी चार जो नामजद अभियुक्त हैं जिनका आज हम लोग कुर्की कर रहे हैं। तो अभी जो अपहरण करता है या जो अपहृत हुए हैं उनकी कोई सूचना? जी, अभी तक कोई सूचना नहीं है। ये सारे लोग भागे हुए हैं और लोग टेक्निकल और मैनुअल दोनों तरीके से उसको सर्विलांस पर रखे हुए हैं। भाई, इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं पिकनिक स्पॉट, जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। आपका अपना आवास हो, घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो, जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध।